Hey, what's up? This is Khushbu with another question of coordinate geometry. This is question number 8 from exercise 7.2, page number 167 from NCERT. This says, if A and B are -2, -2, -2, -4, Yakweria and Hibi respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 of AP and P lies on line segment AB. Ye line segment hai AB. A आपको गिवन है -2, -2, B गिवन है -2, -4, P इस पे कहीं लाया करता है। अब हमें बताना है, find the coordinates of P. P के coordinates को मान लेते हैं X और Y. हमें बता दिया कि AP equal है 3/7 AB के. हमें इसे coordinate निकालने हैं। जब भी कोई इस type का question हो, जहाँ पे line segment में terminal points के coordinate given है, बीच वाले के निकालने हैं, आपको उस question में ratio given होता है। यहाँ रेशो गिवन नहीं है बट उसके लिए हम इसको यूज करेंगे और इससे रेशो फाइंड करेंगे. सो एपी इक्वल है हमारे को 3/7 एबी के. यहां से 7 अगर इधर आ चला गया मल्टीप्लाई हुआ इधर आके तो बना 7AP इज इक्वल टू 3AB. 7AP को आल्फाज लिख कर रहने देते हैं 3. AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस AB. AB को हमने लिख दिया AP प्लस AB. 7AP इक्वल आएगा 3AP प्लस 3PB. यहां से AP इधर आ जाएगा तो 7AP माइनस 3AP इज इक्वल टू 3PB. 7AP माइनस 3AP मीन्स 4AP इज इक्वल टू 3PB. PB को यहां से नीचे ले आते हैं तो AP बाय PB 3 यहां पर है, 7 यहां पर है, 7 यहां से नीचे जाएगा. So, AP by PB is equal to 3/7. So, AP is to PB का रेशियो आ गया हमारे पास 3:7. तो यहां से हमारे पास ये AP is to PB का रेशियो आया 3:7. अब इस रेशियो का यूज करके सेक्शन फॉर्मूला लगाकर हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे. सो बाय सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास होता है M1 X2 प्लस M2 X1 बाय M1 प्लस M2. सेम वे M1 by 2 प्लस M2 by 1 बाय M1 प्लस M2. सो यहां पर हमारे पास M1 की वैल्यू है 3, M2 की वैल्यू है 7, X1 by 1, X2 by 2. X1 की वैल्यू है -2, X2 की वैल्यू है 2, Y1 की वैल्यू है -2, Y2 की वैल्यू है -4. अब इन वैल्यूज को हम इसके अंदर पुट करेंगे तो ये आता है M1 इज 3, X2 इज 2 प्लस M2 इज 7, X1 इज -2 अपॉन M1 प्लस M2. सो यहां से हमारे पास दिस इज 4. सो दिस वैल्यू इज 4. सो यहां पर भी आएगा 3/4, 3:4. सॉरी फॉर डिफरेंस, 3:4 का रेशियो. M2 की वैल्यू जहां जहां है वहां पर आएगा 4. सो यहां पर अगेन M1 की वैल्यू हमारे पास है 3/2, बाय 2 हमारे पास है -4 प्लस M2 इज 4, बाय 1 इज -2 अपॉन M1 प्लस M2. तो ये बन गया 6, 4 2 8, नेगेटिव साइन आएगा बाय 7, -12, -8 बाय 7, तो -2/7, -20/7. ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए P के. सो उस क्वेश्चन में रेशियो नहीं गिवन था, रेशियो हमने फाइंड करा यहां से और फिर रेशियो यूज करके हमने सेक्शन फॉर्मूला से इसका आंसर निकाला. सो दिस वाज 8th क्वेश्चन From exercise 7.2. अगर आपको कोई भी डाउट है, please do write to us and do watch the next video for some more questions. Goodbye.